हेलो नमस्कार, मैं हूं मुकेश मौर्य, फिटनेस कोच एंड जुम्बा एक्सपर्ट। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़रूरी है, रनिंग यानी कि दौड़ना। रनिंग करने से हमें क्या क्या बेनिफिट हैं और क्या क्या बेनिफिट हम रनिंग करके ले सकते हैं, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। रनिंग हमारी डेली रूटीन का एक हिस्सा है। पर डे रनिंग करने वाले व्यक्ति की लाइफ रनिंग ना करने वाले व्यक्ति की लाइफ से ज़्यादा होती है, इसीलिए हमें अपनी डेली रूटीन में रनिंग को ऐड करना है। रनिंग करने का पहला फायदा है, हमारी बोन्स मजबूत होती हैं। हमारे शरीर में जितनी भी हड्डियां हैं उनको स्ट्रांग और मजबूत रखने के लिए हमें अपनी डेली रूटीन में रनिंग का होना बहुत ज़रूरी है। रेगुलर रनिंग करने से हमारी सहन शक्ति बढ़ती है और आत्मविश्वास बढ़ता है, मानसिक और शारीरिक विकार दूर होते हैं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग इतने बिजी हैं कि लोगों के पास टाइम नहीं है अपने लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपनी हेल्थ के लिए। लोग तनावग्रस्त होते जा रहे हैं, क्रोध उनका बढ़ता जा रहा है। कई शोध में ये पाया गया है कि जो लोग अपनी डेली रूटीन में रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो तनाव, भय, क्रोध आदि से दूर रहते हैं। रनिंग का सबसे बड़ा फायदा है फैट लॉस यानी कि वेट लॉस। इससे हमारा मोटापा घटता है, हमारी बॉडी स्ट्रांग होती है, हमारी बॉडी में किसी भी तरह की कमी नहीं होती, हमारी बॉडी फिट होती है, फिट और हेल्दी। अगर हम अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइज को और रनिंग को ऐड करते हैं तो हम स्ट्रेस फ्री रहते हैं, स्ट्रेस से निजात मिलती है, शारीरिक मजबूती बढ़ती है और हमारी मसल्स को बिल्डअप करने में काफ़ी सक्षम होता है। इसीलिए रनिंग हमारी पूरी बॉडी की वर्कआउट में काफ़ी हेल्प करता है। रनिंग करने से हमारा उच्च रक्तचाप यानी कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। अस्थमा और मधुमेह जैसी बीमारियों पर हम कंट्रोल पा लेते हैं। इसीलिए हमारी यही सलाह है कि अगर जिनको इस टाइप की बीमारियां हैं वो अपनी डेली रूटीन में रनिंग को ऐड करें, लेकिन हाँ, अपने डॉक्टर से इसकी सलाह ज़रूर ले लें। अच्छा, रनिंग से इंसुलिन की मात्रा भी हमारी बॉडी में बढ़ती है, जिसकी वजह से हमारी मसल्स को बिल्डअप करने में काफ़ी मददगार होता है। इसलिए रनिंग को हमें अपनी डेली रूटीन में ऐड करना है, और जिन लोगों को ऐसी बीमारियां हैं वो अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही रनिंग को स्टार्ट करेंगे। अगर वो रनिंग नहीं कर सकते हैं तो नॉर्मल वॉक भी कर सकते हैं। अधिकतर हमने देखा है कि जब हम रनिंग करते हैं या वॉक करते हैं या 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जब भी हम करते हैं रनिंग, तो हमारी हार्ट रेट होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है, हमें ब्रीदिंग सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है, लंग्स में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो इसकी वजह से हार्ट बीट बढ़ती है। और हार्ट बीट बढ़ने की वजह से जो हमारे जो भी दिल के पेशेंट होते हैं, दिल के मरीज के जो भी पेशेंट होते हैं, वो बीमारियों से हमें निजात मिलता है। तो मेरी यही राय है कि अगर आप भी दिल की बीमारी के मरीज हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लेकर अपनी डेली रूटीन में रनिंग को ज़रूर ऐड करें। रनिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज़ होती है, हमारा इम्यून सिस्टम इंक्रीज़ होता है, हमारी इम्यूनिटी पावर काफ़ी बूस्ट होती है। अच्छा, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, कॉन्फिडेंस आता है और हमारी बॉडी फिट और हेल्दी होती है। इसलिए मैं आप सभी से यही कहूँगा कि जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है, जिनको अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, जो लोग निराश हैं, जिनको क्रोध ज़्यादा आता है, जिनकी बॉडी फिट और हेल्दी नहीं है, जिनका मोटापा बढ़ा हुआ है, उन सभी से ये रिक्वेस्ट है कि वो अपनी डेली रूटीन में रनिंग को ऐड करें, एक्सरसाइज को ऐड करें, ताकि उनका इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग हो जाए, हर तरीके से वो हर रोगों से लड़ने की उनकी क्षमता बढ़ जाए और फिट और हेल्दी और उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस उत्पन्न हो जाए। तो रनिंग को अपनी डेली रूटीन में ज़रूर ऐड करें। तो ये थे कुछ रनिंग के बेनिफिट्स, और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि जो लोग अपनी डेली रूटीन में रनिंग नहीं करते हैं वो करना शुरू कर दें, और हेल्दी रहें, सेफ रहें और दूसरों को इंस्पायर करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बी हेल्दी, बी सेफ। थैंक यू।